previous lecture, we will discuss about the applications of Drude theory. First, Ohm's law. Second, electrical conductivity of metal. ये हमने discuss कर ली थी. आज हम अपनी third application को discuss करेंगे, Hall effect को. ठीक है. ये मेरी एक thin metal plate है. इसको मैंने simple अपना simple circuit लिया है. यहाँ एक voltage source से connect कर रखा है. एक ammeter, एक voltmeter. Voltmeter हमें voltage show करेगा. Simple Ohm's law के लिए. ठीक है. इसके additional देखिए circuit में क्या है. एक और voltmeter दिखा रखा है. करंट के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में. ठीक है. जो हमारा हमारी शीट है, हेयर कैन से बोर्ड है, वो 2D में है. ठीक है. इसलिए आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये तो ऐसे सिंपल ऐसे कनेक्ट कर रखा है. ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट की. ठीक है. तो ये वोल्टमीटर कुछ वोल्टेज दे रहा है, और जो वोल्टेज आई वो इस करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आई, और उस वोल्टेज को हमने होल वोल्टेज बोल दिया. इतना आप लर्न कर लीजिए. ठीक है. और ऐसा तब हुआ जब मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया परपेंडिकुलर टू द प्लेन. इस मेटल प्लेट के परपेंडिकुलर जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, तब ऐसा हुआ था. ओके. जब मेरा नॉर्मल सर्किट है तो मुझे एक सिंपल वोल्टेज मिल रही है. जब मैं एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रही हूं अपनी थिन मेटल प्लेट के अक्रॉस, तो हमें होल वोल्टेज क्यों मिल रही है? तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. अब हम ऐसा क्यों है. ये मेरी थिन मेटल प्लेट है. जैसे कि प्रीवियस में देखा, थिन मेटल प्लेट को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है. सिंपल मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, करंट ऐसे ही है हमारा. ठीक है. और बाकी का जो ये हमारा वोल्ट मीटर है, एम मीटर है, ये मैंने इस फिगर में शो नहीं किया है, क्योंकि यहाँ मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ. ठीक है. बाकी हमारा सर्किट वही है. तो अब देखते हैं आखिर क्या हुआ. हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ फोर्स एक्ट करेगी. ठीक है. उस फोर्स की वैल्यू हम क्यू वी क्रॉस बी से फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके. अब क्वेश्चन आया है कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. तो आप सब जानते हैं, आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा हुआ है. ठीक है. उससे आपने निकाल लिया कि फोर्स है जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. मेरा करंट एक्स में है, इसको मैंने एक्स एक्सिस लिया है, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस. ठीक है. अब देखते हैं वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होती है. मेरा मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स एक्शन में आता है. जब ये फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है, ऐसे एक्ट कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे जा रहे थे, अब वो नीचे की तरफ आ गए. ठीक है. मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सब अब इस तरफ ड्रिफ्ट होने लगे या मूव करने लगे एक फोर्स के कारण. और वो फोर्स क्यों आया? क्योंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी. जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो मेरे यहां पर एक्यूमुलेट हो गया नेगेटिव चार्ज. ठीक है. मेरे यहाँ इस प्लेट पर, इस एंड पर, मेटल के इस एंड पर, सपोज मेरा ये ए एंड है, ये बी एंड है, ए एंड पर मेरा नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आए. सिंपल था. ठीक है. अब जो मेरा एंड बी है उस पर ऑटोमेटिकली आ गया पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. यहाँ हमारे आ जाते हैं पॉजिटिव. इसका मतलब यहाँ मेरा हाई पोटेंशियल आ गया, यहाँ मेरा लो. ओके. हाई वोल्टेज यू कैन से लो वोल्टेज. इसका मतलब हमें एक वोल्टेज मिलती है जिसको हमने नाम दे दिया अपनी होल वोल्टेज का. तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है. ठीक है. इस डायरेक्शन में हमारी बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव. सिंपल बात थी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगा. हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है. फोर्स लगने के कारण सारे इलेक्ट्रॉन इधर को आ गए. इधर जब ए एंड पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एंड बी पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया. ठीक है. इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है थिन मेटल प्लेट में. और इधर
हाई वोल्टेज इधर लो वोल्टेज होने के कारण हमें एक वोल्टेज मिलती है जिसको हमने बोला, क्या बोला, होल वोल्टेज। तो यही हमने इसमें सिंपल अपनी बात बोली, ठीक है। तो अब हम कुछ सिंपल देख लेते हैं। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने वाई एक्सिस में अप्लाई किया था, करंट हमने एक्स एक्सिस में अप्लाई कर रखा है, तो जो हमें जेड एक्सिस में मिला वो हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो मैंने एक्स एक्सिस वगैरह लिए हैं उसको आप जेड वाई कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, ये आप ये इधर को जेड डायरेक्शन में कैसे हमारा किधर फोर्स एक्ट कर रहा है हम वो भी निकाल सकते, देखना क्या था। एफ इज इक्वल टू क्यू वी भी है, ठीक है। हमारे पास यहाँ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन जो कि है नेगेटिवली चार्ज, तो हमारा आगे माइनस सी वी क्रॉस बी, फाइन। सपोज मेरी इनिशियल वेलोसिटी वी नोट है और वो किधर को है, फिगर को देखिए, वो हमारी किधर को, करंट इस साइड है, इलेक्ट्रॉन्स की देखेंगे वेलोसिटी क्योंकि चार्जेस की वेलोसिटी देखते हैं, तो वो हमारी इस डायरेक्शन को हमने एक्स लिया था, लेकिन मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर जा रहे हैं, तो माइनस एक्स कैप। सेकंड बी देखते हैं, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया है, मैग्नेटिक फील्ड की सपोज मेरा मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो बी नोट है, और वो किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है मैंने, वाई कैप। ओके, तो अब देखते हैं लोरेंट्ज फोर्स हमारा किधर एक्ट करेगा। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं अपने फोर्स को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बजाय, ये मैं आपको अनदर ऑल्टरनेटिव बता रही हूँ। वी की जगह हमारा जाएगा वी नोट, ओके। हम कैप वेक्टर्स को एक साथ लिखेंगे, बी नोट माइनस एक्स कैप वाई कैप, तो जो हमारा एफ आएगा वो आएगा ई वी नोट वी नोट। अब एक्स कैप वाई कैप, एक्स कैप और वाई कैप का हमें क्या करना है, हम प्रोडक्ट देखेंगे, सिंपली आपका प्लस टू वाला है तो हमारे पास आ गया जेड कैप। तो इसका मतलब जो हमारा फोर्स था वो हमने सही डायरेक्शन में बना रखा है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा था। अब हम आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रूड मॉडल से हमारे पास एक इक्वेशन आई थी जिसको हमने बोला था डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस पी टी बाई टू, ये हमारी ड्रूड मॉडल से थी, मोस्ट फेमस इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन अंडर एनी फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए एक इक्वेशन आई थी जिसमें डी पी बाई डी टी होता है चेंज इन मोमेंटम, वेयर एफ ऑफ टी जो ये बार है ये वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स था हमारा, ठीक है। वेरियस, अब आप जानते हैं टी हमारा मोमेंटम है विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड टो इज अवर रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो मान लो मेरे पास जो थिन मेटल प्लेट है मैंने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रख दिया, ठीक है। हमारा कोई इलेक्ट्रॉन होगा, डेफिनेट सी बात है इसमें, फाइन। ये सिंपल हमारा पहले वाला सर्किट, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स पता करना है। जब मेरा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ है तो जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स आएगा वो किसकी वजह से होगा, दोनों की वजह से हुआ वो होगा, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, देखिए जो मेरा फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स है वो इस केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मेरा कौन से एक्सिस में एक्ट कर रहा था, जेड एक्सिस में, ठीक है, जेड कैप, प्लस एक मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। मेरा मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस में था,
वाई एक्सिस में, ठीक है, वाई कैप। सपोज मैं अपने कोऑर्डिनेट्स को, इसको मैं एक्स लेती हूँ, इसको मैं जेड लेती हूँ, इसको वाई लेती हूँ, ठीक है, वाई एक्सिस, फाइन। मैं बता रही हूँ कि आप इसको एक्स वाई जेड को अगर ऐसे लिखते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही था, करंट हमारा इधर था और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे एक्ट कर रहा था, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब जो भी आप कोऑर्डिनेट लेंगे, मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि जैसे आप कोऑर्डिनेट डिसाइड करेंगे वैसे आपकी इक्वेशन लिखी जाएगी। इसके अकॉर्डिंग मैं लेऊं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था वाई डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वाई कैप, प्लस जो मैग्नेटिक फील्ड था वो जेड डायरेक्शन में था, जेड कैप। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जैसे आप कोऑर्डिनेट डिसाइड करेंगे आप यहाँ वैसे ही एक्स वाई कैप लगाएंगे। ये नहीं कि मैंने पहले ऐसे किया था तो आप भी ऐसे करेंगे, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं इसका इस वाले के फैक्टर को लेके चलती हूँ, हम इसी से सोल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो कॉपी नहीं करना है, आपको समझना है यहाँ से, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स आएगा वो हमें यहाँ हमें पता ही है, एफ इज इक्वल टू क्यू ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी चार्ज पार्टिकल्स क्या है, हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, तो हमारा आ गया माइनस ई क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, प्लस बी, बी हमारा क्या है क्यू वी क्रॉस बी, फाइन। तो हमारी यहां से इक्वेशन बन गई माइनस ई ई प्लस V क्रॉस B, ये हमारा आ गया एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इस को हम उठा के लिखेंगे अपनी इक्वेशन नंबर वन में। जैसे ही हम अपनी इक्वेशन नंबर वन में रखते हैं तो हमारे पास आ जाता है dP by dt is equal to f of t की जगह हम ये लिखेंगे माइनस E इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी, ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक इसके लिए ब्रैकेट हमारी, माइनस पी टी बाय टू, ठीक है। हमारी सिंपल इक्वेशन आ गई, बिल्कुल बेसिक किया है हमने, अपनी जो ड्रूड मॉडल ने हमें इक्वेशन दी थी उसमें हमने एक्सटर्नल फोर्स को की वैल्यूज को रखा है। एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थे और मैग्नेटिक फील्ड थे, तो एक्सटर्नल फोर्स में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एक इक्वेशन बन गई। अब आगे देखते हैं, अब हम सब जानते हैं कि हम स्टैटिक सॉल्यूशंस को देखते हैं। स्टैटिक सॉल्यूशन मतलब जो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डायनेमिक को हम बहुत कम स्टडी करते हैं, तो यहाँ हम स्टैटिक को ले रहे हैं कि जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, सपोज वो स्टैटिक है, ठीक है, कॉन्स्टेंट टाइप, यू कैन से कॉन्स्टेंट स्टैटिक, टाइम के साथ वेरिएबल नहीं है। तो दैट मीन्स वी आर, यहां मैं मेंशन कर देती हूँ, वी आर लुकिंग फॉर स्टैटिक सॉल्यूशन, हम स्टैटिक सॉल्यूशंस की स्टडी कर रहे हैं। तो जो हमारा dP by dt होगा वो हो जाएगा जीरो। तो हमारे पास नेट इक्वेशन आई E प्लस V क्रॉस B, ठीक है, इसको यहां जीरो था मैं इधर ले आई हूं, सिंपल माइनस P T बाय टू, ठीक है। मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, क्योंकि देखो क्या था, यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा प्रोड्यूस हुआ था, तो मैं चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कैसे मिल सकती है। हमें बेसिकली ई फाइंड आउट करना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, तो मैं उसी के लिए हम ये स्टडी कर रहे हैं, हमने इतनी सारी की है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसको ऐसे रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड माइनस पी बाय टू, स्टैटिक है तो हम इसको हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, माइनस पी बाय टू माइनस ई वी क्रॉस बी,
ई मल्टीप्लीकेशन में था, इसके साथ भी है, सिंपल लिखा है मैंने। ओके आप देख सकते हैं। अब हम सब जानते हैं कि जो जे होता है, हमारी जो करंट डेंसिटी है, हमारी जो करंट डेंसिटी है, ठीक है, देखते हैं इसको हम थोड़ा सा अपनी मेन इक्वेशन को जो हमने फाइनली ली है उसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। जो मेरा जे होता है वो होता है माइनस एन ई वी, ये प्रीवियस लेक्चर की बात है, तो यहां से मैं वी की वैल्यू निकाल सकती हूँ माइनस जे बाय एन ई, ठीक है। ऐसे ही हम पी की वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये सब पुरानी बात है, पी इज इक्वल टू एम वी से, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर भी नहीं देखे हैं तो कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है, ये अपनी प्लस टू वाली बात है कि जो करंट डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी, ये होती है। तो यहां से मैंने वी की वैल्यू निकाली जो आ गई माइनस जे बाई एन। पी मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी, दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पी बन गया, ठीक है, यहाँ एक एम और आ गया, सिंपल था। पी और वी की वैल्यू को उठाकर हम अपनी इस इक्वेशन में डालते हैं, सपोज मैंने इसको ए इक्वेशन नाम दिया स्मॉल, हम इसमें डालते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस, पी की वैल्यू क्या थी, माइनस माइनस हो गया प्लस, एम जे बाय एन ए इंटू टू माइनस ई वी, वी था हमारे पास माइनस जे बाय एन ई, ओके कोस पी, सिंपल वैल्यूज पुट करी हमने पी मोमेंटम की एंड वी वेलोसिटी की, तो हमारे पास आ गया, यहां से सॉल्यूशन आ जाएगा, इस ई को मैं इधर मल्टीप्लाई कर इधर लेके जाती हूँ, तो हमारे पास आ गया एम बाय एन ई स्क्वायर टू इंटू जे के माइनस, ई से ई कैंसिल हो गया, एक ई इधर आएगा, तो बी बाय एन ई इंटू जे के, फाइन, और माइनस माइनस हो गया प्लस, फाइन, अच्छे से ध्यान रखना आपने। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए थी जो यहां से हमें मिल गई, ठीक है। अब देखो हम प्रीवियस लेक्चर से जानते हैं कि जो हमारी m बाय एन ई स्क्वायर टो है वो क्या है, रेसिस्टिविटी। देखो हमने सिग्मा की वैल्यू प्रीवियस लेक्चर से, आई थिंक आई डोंट नीड टू रिपीट दिस अगेन, अगर आपको ये नहीं समझ आए ये स्टेप तो आप प्रीवियस लेक्चर से देखिए, उसमें हमने ड्राइव कर रखा है हमारी रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारी रेसिस्टिविटी, इस रेसिस्टिविटी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेसिस्टिविटी, लॉन्गिट्यूडनल रेसिस्टिविटी। अब ऐसे यहां इसको हमने नाम दिया रो एच, जिसकी वैल्यू है बी बाय एन ई, इसको हमने बोला ट्रांसवर्स रेसिस्टिविटी, या यू कैन से होल रेसिस्टिविटी, इसको आप ट्रांसवर्स रेसिस्टिविटी या होल रेसिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। अब हम इसके बीच का ग्राफ बनाते हैं, रो और इसका बनाएंगे, ठीक है, एक तरफ हम लेंगे अपना रेसिस्टिविटी, एक तरफ लेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड रो एच, इसको मैं सिंपल लिख देती हूँ वन बाय एन ए इंटू बी, सिंपल है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब जो हमारा इंटरसेप्ट है वो जीरो, वाई एक्सिस पर लेना है होल रेसिस्टिविटी, या मैंने ली होल रेसिस्टिविटी, एक्स एक्सिस पर लेना है मैंने अपना मैग्नेटिक फील्ड, मैंने लिया मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, स्लोप एम होता है, स्लोप यहां हमें क्या मिल रही है वन बाई एन ई, तो स्लोप आ गई हमारे पास वन बाय एन ई, वन बाय एन ई को
हम बोलते हैं आर एच होल कोफिशियंट, ठीक है। हमने किन के बारे में स्टडी किया है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो यहां हमारा आ गया आर एच नेगेटिव, ठीक है। जो हमें चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमने यहां निकाल लिया है अपना, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज करता है, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होते गए तो हमने देखा कि कुछ मेटल्स की जो होल कोफिशियंट है वो पॉजिटिव भी आ रहा है। अब पॉजिटिव कैसे आ रहा है, सपोज मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव कैरियर्स हैं, नेगेटिव कैरियर्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के बजाय कुछ पॉजिटिव ले लेती हूं, तो यहां मेरा पॉजिटिव एक्यूमुलेट होगा, यहां मेरा नेगेटिव एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। ऐसे होगा तो फिर हमारा फर्दर जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो जो हमारा आर एच है वो पॉजिटिव आ जाएगा। सिंपल सी बात थी, हमने देखा कि जो हमारा आर एच है वो नेगेटिव आ है, भूल जाए सब कुछ, सिंपल याद रखिए कि जो हमारा आर एच है वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को एज अ चार्ज कैरियर ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, यहां हम अपना चार्ज रख रहे हैं तो माइनस है, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो बताते हैं कि जो होल कोफिशियंट होता है वो पॉजिटिव भी आते हैं, जैसे जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते गए फर्दर डिस्कवरीज होती गई, तो उन्होंने बोला कि जब आप अपनी थिन मेटल प्लेट में कोई पॉजिटिव ले लोगे तो आपका कोई चार्ज कैरियर पॉजिटिव ले लोगे तो आपका आर एच पॉजिटिव आ रहा है, तो ड्रूड इस बात को नहीं बता पाया कि भाई कैसे क्यों, ठीक है। तो जो ड्रूड की लिमिटेशन थी, एक पॉइंट उसमें ये आ गया, ये ड्रूड की एक लिमिटेशन थी, ठीक है, ये हमारे ड्रूड की एक लिमिटेशन आ गई, फाइन। अब तक हमने क्या बोला है, हमने सिंपल सी बात बोल ली है कि होल इफेक्ट को स्टडी किया है हमने, कि जब हम वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में है तो हमारी एक वोल्टेज प्रोड्यूस होती है जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होती है, इसको हमने होल वोल्टेज बोला। फिर हमने उसका रीजन स्टडी किया कि सिंपल सी बात है भाई, आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करोगे तो एक फोर्स आएगी जिसके कारण नेगेटिव इधर एक्युमुलेट होगा पॉजिटिव इधर, तो हमें एक वोल्टेज मिल गई। तो फिर हमने बोला कि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर आप कॉलेज में करना चाहते हैं तो यहां तक आपका मोर देन सफिशियंट है। अगर आपको फुल डीप कंसेप्ट चाहिए, विकिपीडिया तक का बिल्कुल, गूगल वगैरह हर जगह का आपको फुल कंसेप्ट चाहिए, तो फिर हमने ये आगे किया है कि हमें तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें और डीप जाना है, तो फिर आप इसको देखिए, अदरवाइज आपका उतना बहुत है, ठीक है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो ये इसके लिए, तो हमने सिंपल अपनी इक्वेशन लिखी, वहां एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू डाली तो हमारे पास ये आ गया। हम स्टैटिक सॉल्यूशन को देखते हैं तो जीरो, तो हमने अपना सिंपल सोल्व किया और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां से फाइंड आउट कर दिया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया, हमारे पास एक ट्रांसवर्स रेसिस्टिविटी या यू कैन से होल रेसिस्टिविटी एंड होल कोफिशियंट, दो टर्म्स को हमने पता किया। और हमने इस लेक्चर में एक लिमिटेशन देखी ड्रूड थ्योरी की, ठीक है। आई थिंक इट्स सफिशियंट फॉर दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस देन यू कैन ओपनली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई रिप्लाई श्योरली। थैंक यू।